चौंक गए ना कि मैं आज एवरेस्ट क्यों चढ़ा रही हूं। घूमले गुरु में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि ग्वालियर में ही जन्मे हैं, मध्य प्रदेश का सिर ऊंचा करते हैं और जिन्हें हम एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम भगवान सिंह है, भगवान से कुशवाहा। आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? मैं ग्वालियर से लश्कर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, आपका प्रोफेशन क्या है? एडवेंचर में अपने ग्वालियर का, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करना, वो मेरी चीज थी। तो ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में कि माउंट एवरेस्ट की चोटी हमें चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पर अटैक करना है? जब मैं खेलों से जुड़ा ग्वालियर में, ऐसे ग्राउंड पर मैं समर कैंप अटेंड करता था, इतने सारे बच्चे आते थे, मैं उसमें रहता था। जैसे मैं बड़ा होता गया, देखता गया कि मैं भी ऐसा क्या करूं जो खेल में अपना नाम अपना भी करूं, साथ में अपने ज़िले का भी नाम रोशन कर सकूं, कि कोई कह सके यहाँ ग्वालियर से इसने कैसे कूद। मैं ग्वालियर में इतने सारे खेलते कि मैं समझ में नहीं आता। मैंने जूडो भी खेला, कबड्डी भी खेली, मगर दूसरी चीज़ देखी साहसिक खेल। अब मैं साहसिक खेल क्या होता है? साहसिक खेल देखा जो तुम हटके करते हो, जिसमें एक जोर से, एक जुनून, एक पावर की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं तो एमपी से माउंट एवरेस्ट कोई नहीं पहुंचा। मगर जिन्हें सोचा कि एवरेस्ट चढ़ने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा लगता है, वो बाद में जाकर मालूम पड़ा। मगर मैंने अपना एवरेस्ट टारगेट बना लिया था, फिर मैंने उससे पीछे नहीं हटा बिल्कुल भी। और उसको चाहे मेरे को सफल होने में 6 साल लगे, मगर वो चीज़ मैंने करके दिखाई। तो इस 6 साल में क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आई? तब मेरे को सबसे पहले अपना ग्वालियर घर छोड़ना पड़ा। अगर मैं ग्वालियर में रहता तो कभी एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपये इकट्ठे नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मेरा डिसीजन था कि मैं अपना ग्वालियर छोड़ के बाहर निकलूँ यहाँ से। और इसके लिए एवरेस्ट के लिए कैसे तैयारियाँ करना है, इसके लिए पैसे कैसे इकट्ठा है, फिजिकल तैयारी करना है, इसके लिए मैंने मेरे दोनों भाइयों की, छोटे बड़े की शादी हो गई, मैंने शादी भी नहीं करी थी क्योंकि मेरे को पता नहीं एवरेस्ट चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, समझे। और जब मैं भोपाल पहुँचा तो मेरे को 2000 रुपये की नौकरी मिली, वो मैंने छोड़ी नहीं। और वो मेरे को खेल विभाग में नौकरी मिली। खेल विभाग में नौकरी मैंने इसलिए ले ली कि कम से कम मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट में रह के अपनी तैयारी कर सकूँ। हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे को 2000 रुपये कर इकट्ठे कर 25 लाख रुपये करने में, मगर मैंने उम्मीद नहीं हारी। और वो चीज़ मेरा टारगेट था जो कि मेरे को 2016 को मेरा सपना पूरा हुआ और मैं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर अपने देश का, प्रदेश का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन। तो हमें अपनी माउंट एवरेस्ट की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले मेरी जो यात्रा रही, सबसे पहले जो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, मैं एडवेंचर करता था मगर दुनिया में नाम सुना कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8800 मीटर माउंट एवरेस्ट है, मगर पता नहीं कि उस पर कितना माइनस टेम्परेचर है। ये सुना कि उस पर जाने का, लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहती, मगर अब प्रेरण कर लिया था। उसके लिए मैं 2015 में एवरेस्ट बेस कैंप तक होके आया कि एवरेस्ट पर चढ़ने में कितनी दिक्कतें आती हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके लौटने के बाद फिर मैंने अपनी फिजिकल तैयारी चालू करी और पैसा इकट्ठा चालू करना। तब मैं ना छोटी छोटी कंपनियों से कॉन्टैक्ट करता था कि मैं आपके कंपनी का नाम माउंट एवरेस्ट पे ले आएंगे अगर आप मेरे पैसे से हेल्प करें तो। तो वो लोग मेरे को पागल बोल के भगा देते थे कि तुम क्या करोगे, आप छोड़ो उसे, ऐसा बात करते थे। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी 2015 तक 2016 तक मैं ये चीज़ करता रहा। और साथ साथ इसके मैं 9 घंटे फिजिकल वर्कआउट करता था क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉपर दिमाग से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जो किसी भी चीज़ को देख कर डरे नहीं। उसके लिए मैंने फिजिकल वर्कआउट करता था और फिजिकल वर्कआउट में 100 किलोमीटर साइकिल करना, 20 किलोमीटर रनिंग करना, 25 किलो बैग पीठ पर टांग के फिर हिल रनिंग करना, चढ़ाई करना, पैदल करना, वो सब चीज़ें मैं करने में लगा था, बस यही एक उम्मीद पे कि आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। तो एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान क्या क्या परेशानियाँ आपको ऐसा झेलना पड़ा, क्या परेशानियाँ? जी, -10 डिग्री से -52 डिग्री है टेम्परेचर, नंबर 1। नंबर 2, हम 62 दिन का हमारा क्लाइंबिंग पीरियड जो हमने 54 डेज में पूरा कर लिया था। हमारा जो ग्रुप था वो सब अलग अलग जगह से आए थे। सबसे पहले आपस में एडजस्ट होना, कोई किसी को नहीं जानता था। एवरेस्ट चढ़ने से पहले आपका एक डेथ सर्टिफिकेट पहले भरवा लिया जाता है, जिसमें कि आप अगर मरते हैं कुछ भी तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस सब रिस्क लेकर फिर भी आप अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो आपके ऊपर यही आती है, समझे। फिर पर डे जो हम जा रहे हैं, एक एक दिन चढ़ रहे हैं, जब हमारे टेंट का एक क्लाइंबर रात को ही सोता हुआ, हमें नहीं मालूम कितने बजे मर गया, जब सवेरे हम उसको जगाने के लिए गए तो मर चुका था। उस दिन हमारा पूरा ग्रुप घबरा गया,
गया था कि आज जैसे होता रह गया कल तो अपन भी ऐसे सोते रह जाएंगे, समझे। मगर वो सोच निगेटिव नहीं आने दी हमने मन में, नहीं अपने को करना है, अपने को करके जाना है, इतने लोग अपना वेट कर रहे हैं कि नहीं भगवान सिंह माउंट एवरेस्ट करके आएगा। उससे मैंने विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी अपने आप को। एक एक मूवमेंट हमने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर एवरेस्ट चोटी पर जाके आपको 45 मिनट जो है एक ही जगह पर लट के रहना पड़ा। जी, हिलेरी स्टेप करके एक जगह है, और वो हिलेरी स्टेप 10 मीटर में है ना, एक पहाड़ का रॉक्स है पत्थर का, जिस पर ना आइस एक्स लग सकती ना हाथ लग सकते। अब हुआ क्या कि उस रोड से जो पहले हमारे ग्रुप गए थे वो वहाँ पर फंस गए, वो फंस गए, वो 30-40 लोग बीच में फंसे हुए थे, इसके पीछे हमारा ग्रुप था। अब वो ऊपर निकल नहीं पा रहे और हम लोग एक रॉप पे 18 लोग लटके हुए थे। अगर वो एक रॉप किसी भी गलती से या ज़्यादा लोग की वजह से छूटती तो हमारी डेड बॉडियाँ या चाइना में गिरती या तिब्बत में गिरती। तो कभी उस 45 मिनट में एक पल भी ऐसा आया जब लगा कि नहीं मैं फतह नहीं कर पाऊँगा या नहीं हो पा रहा है, वापस चल रहे हैं, ऐसा कुछ? वापस चलने की तो कोई उम्मीद नहीं थी, बस ये कि मरेंगे तो इसी पॉइंट पर मरेंगे। अच्छा, तो जैसे कि हम जब माउंट एवरेस्ट पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कई सारे कंट्री से लोग आते हैं जो माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहते हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ फनी मोमेंट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? थोड़ा सा इंग्लिश में तो वीक था, हाँ। तो इतना थोड़ा नहीं आता, मगर जो शेरपा हैं वो थोड़ा कन्वर्ट करके हम लोगों को भी ला देते थे, और फिर एक एक लैंग्वेज हम सीखते गए, उनसे बात करते गए। तो सबसे पहले मैंने ना मॉर्निंग से स्टार्ट करा, जो भी आता था सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं जय हिंद करना पसंद करता हूँ, मेरे एकेडमी के बच्चे भी जो भी हैं सब मेरे को जय हिंद सर करके बात करते हैं, समझे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते करना, ये सब चीज़ करना, ऐसे जैसे सबसे पहले मैं सबको जय हिंद से कहा मैं कि आप लोग सीधे खड़ा हुआ करिए, ऐसा करिए, जय हिंद करा करिए, जय हिंद आपका दिल से निकलता है, आपका बिल पावर, आप सीनियर चौड़ करके जय हिंद कर सकते हैं। और 19 तारीख को जब मैं टॉप पे खड़ा था सबसे पहले मैं अपने देश को जय हिंद ही कर रहा था वहाँ पे खड़े होकर, समझे। तो सबसे वो लोग निकलता है गुड, सब गुड मॉर्निंग, सबों का बंद हो गया था, जय हिंद भगवान, और जो अंग्रेज था जय हिंद गॉड, ऐसे करके मेरे को बोलते थे। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि जब हम एवरेस्ट फतेह कर लेते हैं और तिरंगा फहराते हैं अपने देश का, तो कैसा महसूस होता है? अब मैडम, जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी वो आपको वो मुकाम मिल गया, मतलब उस टाइम पे बर्ड नहीं होते, बस ये कि मैंने जो सोचा वो मैंने करा, वो आज इतने बड़े मुकाम पे खड़ा हूँ, एक वो तो लग ही रहा था, और दूसरी बात मेरे को सबसे ज़्यादा उतरने की चिंता लग रही थी। अच्छा, मैं सही बता रही हूँ, मेरे को कि अभी जितना ऊपर आए उतना वापस भी जाना है, और जब तक हम पूरे नीचे नहीं पहुँच जाएंगे वो एवरेस्ट टॉप के लिए नहीं माना जाता, क्योंकि मैंने जब तक ये 2-3 मूवियाँ देखी कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंबर है ना उतरते समय मरे हैं, और एवरेस्ट पे मुश्किल से हमको 10 मिनट मिले थे बस, 10 मिनट में भी हमको जो पूजा करना था, अपना देश का जय हिंद करना था, राष्ट्रगान गाना था, और उसके बाद फिर हमको वापस उतरना पड़ा था, समझे। एक तो यही था, मैंने सबसे ऊपर खड़े होकर मध्य प्रदेश भारत माता की जय और जय हिंद, बस ये 3-4 शब्द मेरे को याद है जो मैंने बोले थे, क्योंकि रात भर की जगे हुए थे, चढ़े हुए थे, और फिर उतरना था पानी पी के हमको। तो रोज़ की आप कितने घंटे चढ़ाई करते? रोज़ मैडम एक दिन में कम से कम अगर मौसम अच्छा है तो 11 घंटे चढ़ाई करते थे, पीठ पे 40 किलो का बैग टांग के, समझे। जिसमें खाने को फिर रात को ही मिलता था, सवेरे कुछ पी के निकलते थे, बर्फ़ को ला के बॉयल करके पानी बनाते थे, वही बोतल में भर लेते थे, जो बोतल में 6 घंटे गर्म रहता है बस, 6 घंटे बाद फिर वो जमने लगता है, तो उसी को हम बीच बीच में पीते जाते हैं। फिर जहाँ नाइट हॉल्ट होती थी वहीं पर जाके फिर सबसे पहले पानी बनाना और फिर बॉयल करके खाने पीने की चीज़ें बनाना जी, और उसमें भी अगर किसी रात को आइसफॉल हो रही है तो पूरी रात बर्फ़ हटाते में निकल जाती थी, नहीं तो आप लोगों ने सुना है कितने आर्मी वाले सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ़ में दबके मर जाते हैं, उन चीज़ों का हम सामना करते थे, तो पूरी रात हम जगते रहते थे। फिर तो बर्फ आप टेंट से हटाते थे? हाँ, जो टेंट की चारों तरफ गिरती है उसको है ना फावड़े से भर के या हाथ से ऐसे कर करके अलग करना है। तो जिस रात को ऐसे बर्फ हटानी पड़ती थी तो उस रात को तो आप सो ही नहीं पाते? कोई सो नहीं पाते, तो सुबह फिर क्लाइंबिंग करने की एनर्जी, फिर शेड्यूल चेंज करना पड़ता है कि आज है ना फिर 12 बजे तक रेस्ट करेंगे, फिर शाम को क्लाइंबिंग करेंगे। अच्छा, ओके जी। तो वहाँ पर क्लाइंबिंग का ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, जब मौसम अच्छा हो तब? हाँ जी, कभी 2 दिन भी वेट करना पड़ता है, और कभी 2 दिन बाद मौसम खराब होने वाला है तो फिर लगातार 2 दिन तक चढ़ना पड़ेगा जी, दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कोई ये इंडोर गेम नहीं है, ये ओपन है, और प्रकृति का कोई पता नहीं है, भगवान का वाया है जी। तो फिजिकली आपको क्या क्या परेशानियाँ आई वहाँ पर? मैडम जिसके जो मैंने जहाँ पे 9-9 घंटे मेहनत करी थी उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला कि मेरे को चढ़ने में सबसे टॉप में सबसे आगे चलता था। जो लोग जिस जगह हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करते थे मैं 12-1 बजे तक पहुँच जाता, तो वो लोग दूसरे लोग शाम को 4-5 बजे तक आते थे, और सब लोगों को तीसरे बेस कैंप से ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया था, मेरे को चौथे बेस कैंप से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था जिस दिन टॉप पर जा रही थी। स्पोर्ट्स पर्सन होने का ये फायदा होता है कि आप पहले से ही प्रिपेयर होते हैं हर चीज़। बिल्कुल, अगर आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं अगर प्रॉपर दिमाग से तैयार नहीं है, आप तो एक मंजिल जीने चढ़ते हैं, एक मंजिल तो उसी में सांस फूल जाती है लोगों की।
समझे, मगर मैंने जो चीज़ तैयारी करी थी मेरे को पूरा बेनिफिट मिला कि आज मैं सही सलामत यहाँ पे बैठा हूँ। और हमने सुना कि चढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारा पैर में चोटें भी आई और आपके पैर का जो नाखून था वो गल गया। तीसरे बेस कैंप से लेकर और टॉप तक 4 दिन तक हम इतने थक गए थे कि हम सूज उतारने का टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को, और रात को जो पूरी किट थी वो पहन के बस डले रह जाते थे। और सवेरे शेरपा ने बेसिल बजाया, बैसी उठे, क्योंकि किट को पहनने में आधा 1 घंटा लगता है और -25 से -30 टेम्परेचर हो गया था वहाँ पर, और तब हम किट भी नहीं उतारते थे। अब वो 7 दिन तक जूते पहने रहे हम लोग, वो जूता 4 लेयर का आता है और वो जूता पैर में पहनने के बाद 5 किलो वजन हो जाता है। मगर सबसे पहले तो टॉप करा, वो टॉप की खुशी कि हमारा टॉप हो गया, फिर उतर रहे थे, उसके बाद उतरने की खुशी में पैर के अंदर नहीं मालूम चल जाता कि हमारे पैर के अंदर क्या हो गया। मगर जब फर्स्ट बेस कैंप पे हम अपने वापस आ गए, जब वो 7 दिन बाद जूता उतारा तो उसका जो मोजा उतारा था उसके बाद उसके मोजे के अंदर मेरी 3 उंगलियों का और अंगूठे का मांस उसी के अंदर रह गया था। मेरी हड्डियाँ बोन लटक रही थी उसके अंदर जी। वहाँ पे भी आधे घंटे बाद वो वहाँ का शेरपा और डॉक्टर आया, बोलता भगवान तुम्हारी उंगलियाँ चली गई। तब भी मैंने वहाँ पे एक लाइन बोली थी, वो मेरे को अभी तक याद है, कि हमारे देश के लिए सैनिक तो अपनी जान दे देते हैं, मैंने अपने प्रदेश के लिए अंगूठा दे दिया तो क्या हुआ। वो चीज़ मेरे वहाँ पर बोला जी, तो अभी तक स्ट्रॉन्ग जो लड़का था अभी तक स्ट्रॉन्ग है। जब आप फतेह करके फाइनली जब वापस आए मध्य प्रदेश में अपने शहर में, तो कैसा महसूस? सबसे पहले तो 19 तारीख को मैंने माउंट एवरेस्ट टॉप करा, 19 तारीख को सवेरे, 24 तारीख को भोपाल खबर पहुंची थी, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था खबर देने का समझे। और 25-26 तारीख को मेरे घर पे खबर पहुंची थी, तब मीडिया वालों को पहुंचा जब वो मेरे घर पहुंचे कि आपके लड़के ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर दिया है, और भोपाल में आतिशबाजी सब लोग खुशी कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अवार्ड्स वगैरह से नवाजा? अभी तक तो ये काम करने वाला मैं एमपी में पहला था, अभी तक कोई ने ऐसा काम करा नहीं है। तो अभी तक एमपी ने ऐसी कोई न्यूज वो योजना ही नहीं थी एमपी के पास कि साइड से खेलों पे क्या है। अब वो चीज़ मैं एमपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ बनाए जिससे जो मैंने सामना करा है आगे कोई एवरेस्ट आए उसको नहीं करना पड़े इतना सामना। एवरेस्ट का रास्ता तो मैंने खोल दिया जी जी। तो आगे क्या आपके क्या प्लान है, मतलब और कोई पहाड़ वहाड़ चढ़ना है? हाँ मैडम, अभी देखो जब मैंने 2016 एवरेस्ट चढ़ा, काफ़ी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अभी एवरेस्ट का कुछ ही कर पाएगा। मैं एवरेस्ट आया था, मेरा 11 किलो वजन कम हो गया था, मेरे को देखने कम लगा था, सुनने कम लगा था। उसके बाद भी मैंने पैर का ऑपरेशन था, 1 महीने बस वेट करा, उसके 30 दिन से मैंने साइकिल चलाना चालू कर दी थी। और 2017, 2018, 2019 लगातार कुल्लू मनाली लेह खारडूला बर्ड की सबसे ऊँची चोटी जो मैं इंडिया में करने वाला पहला हूँ, जो मैंने 3 अचीवमेंट हिस्ट्री के साथ करे हैं। और 2020 में भी अगर ये कोरोना नहीं होता तो अभी मेरा एक और अचीवमेंट हो गया होता, मगर अभी होगा वो मैं आपको करने के बाद बताऊँगा। अच्छा जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पर्वतारोहियों के लिए, या फिर जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे आपका है ना टारगेट, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे करियर का हो, चाहे गेम का हो समझे, सफलता किसी को 2 महीने में मिलती है, किसी को 2 साल में मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है। आप अपने टारगेट से भटके नहीं समझे। मैं एक मिठाई का ठेला लगाने वाला छोटा सा गरीब लड़का समझे, और आज मैंने जो सोचा उसमें मेरे को समय लगा, मगर वो चीज़ मैंने करके दिखाई कि आज मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का ग्वालियर का नाम रोशन करके आज वहाँ तक पहुँचा। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मगर नई जनरेशन शॉर्टकट अपना रही है और वो इतना वेट नहीं कर रही, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा मेहनत करिए समझे। मोबाइल तो आज भी है कल भी रहेगा, मगर जो आपकी ज़िंदगी है एक दिन डेली कम होता जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला, इसलिए अभी आपका जो फोकस है जो टारगेट है वो आप करने पे ध्यान दीजिए। हमारे अब्दुल कलाम जी कह गए हैं कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने सच करने के लिए नींद नहीं आती समझे। तो जो सपने देखते हैं ना उनको टारगेट यही रहना चाहिए कि कब मॉर्निंग हो, कब मैं ग्राउंड पर आकर अपनी तैयारी करूँ, वो चीज़ होनी चाहिए आजकल के बच्चों में। तो ये है एवरेस्ट विजेता भगवान सिंह कुशवाहा, जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि इंसान अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है। इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं होता जब एक आदमी मिठाई के ठेले से उठकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी छू सकता है, तो दुनिया में हर कोई हर चीज़ कर सकता है। तो इसी के साथ मैं पल्लवी आज लेती हूँ विदा। नमस्कार।